हेलो फ्रेंड्स आज लेके आई हूँ मैं रिमझिम बारिश में हमें टेस्टी सा कुछ खाने का मन होता है तो आज लेके आई हूँ मैं फ़्लावर समोसे की रेसिपी जिसे आप फटाफट से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक बर्तन उसमें लेंगे एक कप गेहूँ का आटा वही गेहूँ का आटा है जो हमारे घर में होता है उसको हमने छान के ले लिया है इसके बाद इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच यहाँ पर ली है मैंने कलौंजी तो इससे टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा आता है उसके बाद आधा चम्मच ली है अजवाइन उसके बाद आधा चम्मच डाला है नमक नमक यहाँ हम थोड़ा ही डालेंगे उसके बाद दो चम्मच ली है यहाँ पर रिफाइंड ऑयल इसको हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक टाइट सा डोल लगा लेंगे तो आटा हमें बिल्कुल टाइट रखना है लूज़ नहीं रखना है वरना हम जब शेप देंगे तो अच्छी नहीं आएगी तो इसको ढक कर रख देंगे साइड में तब तक हम दूसरी तरफ इसकी फीलिंग तैयार कर लेती है तो उसके लिए हमने यहाँ पर छः से मीडियम साइज के आलू लिए हैं इसको बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए उसके बाद आधा चम्मच हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लेंगे एक चम्मच लिया है यहाँ पर आम पाउड आमचूर का पाउडर उसके बाद एक चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर ले लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच हमने सफेद वाला नमक लिया है आधा चम्मच यहाँ पर काला नमक डालेंगे इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा उसके बाद इसे हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मिक्स कर लेने के बाद जो हमारा आटा था वो भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको हम बिल्कुल स्मूथ सा कर लेंगे तो हम इसे सरफेस पे निकाल लेंगे और हाथों से सूखा आटा लगा कर इसके दो पेड़ तैयार कर लेंगे तो इसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है तो दो पार्ट डिवाइड कर लेंगे और इसके बॉल्स तैयार कर लेंगे उसके बाद सूखा आटा लगा कर एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे तो इसे हमने ना तो ज़्यादा मोटा रखना है ना ही ज़्यादा पतला रखना है तो उसके बाद दोनों रोटी हमने तैयार कर ली है उसके बाद एक रोटी लेंगे उस पर जो हमने फिलिंग तैयार की थी चम्मच की सहायता से अच्छे तरीके से फैला लेंगे कोई भी पार्ट खाली नहीं रहना चाहिए उसके बाद दूसरी वाली रोटी लेंगे इसको ऊपर से अच्छे तरीके से हम सेट कर लेंगे तो हाथों से अच्छे तरीके से दबा देंगे जिसके कि नाश्ता हमारा खुले नहीं उसके बाद चाकू लेंगे या कटर लेंगे और डेढ़ से दो इंच के इस तरीके के पीस है वो कट कर लेंगे तो जितने बड़े साइज में आपने बनाने हैं आप उस तरीके से इसको कट कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर डेढ़ इंच के साइज़ के मैं यहाँ पर चौरस पीस है वो काट लेने हैं तो मैं इस तरीके से सारे पीस है वो कट कर लूँगी तो उसके बाद एक हम पीस उठाएंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे तो इसमें हमने दो फोल्ड करने हैं और हथेली से अंगूठे से इसमें से अच्छे से प्रेस कर देंगे तो दूसरा बार पार्ट पार लेंगे इसको भी अच्छे तरीके से इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको हम फोल्ड कर देंगे तो इस तरीके से हमारे जो फ्लावर है समोसा है वो तैयार हो जाएंगे तो इसी तरीके से हमने सारे समोसे हैं वो तैयार कर लेने हैं फटाफट से हो जाएगा इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और दूसरी तरफ कढ़ाई रख ली है कढ़ाई में जब तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो एक एक हमें फ्लावर वाले समोसों को इसमें डाल लेंगे और सारे समोसों को डाल लेने के बाद मैंने गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा है और उस पर कम से कम हमें इसे सात से आठ मिनट के लिए तल लेना है या जब तक ये एक बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए जब ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो उसको निकाल लेंगे प्लेट में तो सारे समोसे हैं वो तैयार हो गए हैं और दूसरी तरफ मैंने बनाई है चाय तो मैं इसको इंजॉय करूँगी चाय के साथ तो एक बार आप इस मौसम में ज़रूर बना के देखिए या फटाफट से जब मेहमान आ जाते हैं उस टाइम भी इसको बनाकर खिला सकते हैं तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाय